हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 12 सितंबर संडे और अभी सुबह के बज रहे हैं 11। आई नो बहुत ही लेट से मैं अपना ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। क्या करूँ गाइस, कल रात तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत लेट करके आज उठी हूँ। उठ के ही फर्स्ट डे का जो ब्लॉग था उसको मैंने एडिट की एंड तुरंत उसको अपलोड की एंड फिर उसके बाद फिर से सो गई। तो थोड़ी देर पहले मैं फिर से उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ। सुबह की पूजा मैंने शूट नहीं किया है, मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है। अभी मुझे बनानी है पुलाव और दम आलू, जो मैं आज भोग प्रसाद में मतलब भोग में बाबा को चढ़ाने वाली हूँ। एंड शाम के टाइम पे आज बाबा ही रहेगा क्योंकि आज उसका मॉर्निंग ड्यूटी है, तो वो दोपहर में तो आ ही जाएगा। आज गणपति पूजा का आखिरी डे है, हम लोग एक साथ आरती करेंगे और कुछ प्लान है रात के टाइम पे, देखते हैं। वो अगर होता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बात कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। ओके, तो चलो। फ़ोन को चार्जिंग में डालना पड़ेगा क्योंकि इसका चार्ज ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। एक्चुअली एडिट कर रही थी ना, तो ध्यान में नहीं था, सॉरी। तो चलो इसको फुल चार्ज कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो कीप वॉचिंग। तो गाइस, मैं अभी आप लोगों को गणपति बप्पा जी से मिला रही हूँ। आज उनका रूप और भी निखर के आ रहा है। ये सफ़ेद वाला माला आज ही मैंने उनको पहनाई है। पुराना जितने भी फूल थे मैंने वो सब कुछ आज हटा दिया है। बूंदिया, मोदक, लड्डू चढ़ाई हूँ और उसके साथ आज का मेन भोग है पुलाव और दम आलू। तो गाइस, अभी शाम हो चुकी है और मैं आरती के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। बाबा ये आपको बाद में दिखाएगा कि मैंने आज क्या पहना है। ऑब्वियसली मैंने पहले दिन भी आपको प्रॉमिस की थी कि मैं आपको दिखाऊंगी। शायद जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको तो पता है क्योंकि मैंने पिक वहाँ पे डाला है, फेसबुक में भी ऑब्वियसली मैंने अपलोड किया है। और एक बात मैं बता देती हूँ गाइस, अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे फॉलो करना है तो उस का लिंक मैं या तो डिस्क्रिप्शन और या तो कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग फेसबुक में और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना। तो गाइस, मैं आज ये पहनी हूँ, एकदम अलग लुक आज क्रिएट किया है मैंने। तो चलिए अभी हम लोग शाम की आरती कर लेते हैं, ठीक है। माता जी पार्वती पिता महादेवा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणेश जय गणेश देवा, माता जी पार्वती पिता महादेवा। तो गाइस, मेरा इवनिंग का पूजा तो कंप्लीट हो चुकी है और इसके साथ साथ 3 दिन के लिए हम लोग बाबा के पूजा करने वाले थे, वो भी कंप्लीट हो गई है। आज शाम के टाइम पे बाबा ही घर पे है तो इसलिए मेरे साथ वो भी आरती किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी फ्रेंड एंड उसके हस्बैंड भी आए हैं, वो लोग भी आरती किए, तो काफ़ी अच्छा गया 2-3 दिन, मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ बहुत ज़्यादा मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ। तो पापा से मैं यही दुआ करूँगी कि आप लोगों का साल के बाकी दिन भी बहुत अच्छा जाए, आप लोग भी सावधान रहो, सुरक्षित रहो, आपके हर मनोकामना पापा पूरा करे, यही मैं दुआ करूँगी क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली के हिस्से हो, ये तो मैं मानती हूँ। और एक बात मैं बता देती हूँ गाइस, हम लोग पापा के ये मूर्ति विसर्जित नहीं करेंगे, 1 साल तक हम लोग रखेंगे। अगले साल जब फिर से पापा का पूजा का टाइम आएगा, नया मूर्ति जब हम लोग ले आएंगे तब इस मूर्ति को विसर्जित करेंगे। दिल नहीं हो रहा है कि इनको मैं विसर्जित करूं, तो इसको मैं घर पे ही रख दूंगी, इनको हर दिन मैं पूजा करूंगी। तो गाइस, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना कि आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और बहुत सारा ढेर सारा प्यार देते रहना। एक यूट्यूबर के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए।
तो आज के लिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। मैं आप लोगों को बोल रही थी कि रात के लिए हम लोग कुछ सोच रहे हैं, तो फ्रेंड्स के साथ थोड़ा हम लोग बाहर जाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर भी एक ब्लॉग में लाऊँ। तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना, अपना ध्यान रखना और मुझे ढेर सारा सपोर्ट और प्यार देते रहना। तो बाय।